जयपुर में बाबा जयगुरुदेव संगीत संगत की ओर से मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली के माध्यम से मतदाताओं को शाकाहारी और नशा मुक्त प्रत्याशी को वोट करने की अपील की गई। रैली नई ढाणी एनबीसी से शुरू होकर खासा कोटी होते हुए जिला कलेक्टर सर्किल पहुंची। इसके बाद निर्वाचन आयोग को प्रतिनिधि मंडल की ओर से ज्ञापन भी सौंपा गया। मीडिया प्रभारी मुकुट बिहारी ने बताया कि जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में जय गुरुदेव संगत द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रैलियां निकाली गई हैं। जय गुरुदेव। सभी देश के मतदाताओं से अपील है हमारी राजनीतिक संगत की तरफ से कि मतदाता सोच समझकर जैसे कन्या का दान करते हैं उसी तरह मतदान करें। ऐसे किसी कैंडिडेट को मतदान ना करें जो देशभक्त ना हो, नशा करता हो, मांसाहार करता हो, जिसकी बुद्धि विवेक सही काम नहीं करते हो। बाबा जय गुरुदेव राजनीतिक संगत की तरफ से आज की ये जो फेरी निकल रही है इसमें हम वर्तमान समय में जितने भी लोकसभा प्रत्याशी हैं उन सभी लोगों से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ऐसा कोई नशा मत करो जो माँ बहनों की पहचान खत्म कर दे, और जिस तरह से नशा करके आप गाड़ी नहीं चला सकते तो देश क्या चलाएंगे। इसीलिए आप उन सब से अपील की जा रही कि आप सभी लोग शराब, मांस, झूठ, छल, फरेब, ईर्ष्या, देश, राग, ये सभी कुछ छोड़ करके आप सभी लोग देश हित में, राष्ट्र हित में आप सभी लोग काम करो। यही हम लोगों की इस प्रभात फेरी के माध्यम से आप सभी। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।